नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बिरुधर रोतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों क्या हालचाल है? मैं थोड़ा सा पहले जो है ये मोबाइल में आप लोगों का मैसेज पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है चालू कर लूँ। कैसे हो सभी? कैसे हो बच्चों? अभी आया था, कहाँ चला गया? क्या हालचाल है आप सभी का? क्योंकि आपके मैसेज में पढ़ नहीं पाऊंगा, फिर कई बार जो है परेशान करता है यार मोबाइल जो है, करता है ना आप लोगों को भी? खुलता नहीं है जल्दी। सिट, चलिए हम लोग जो है चर्चा करते हैं। खुल नहीं रहा भाई, क्या बताएं हम जो है। अभी खुला, क्योंकि आप लोग का मैसेज पढ़ने के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है। रूबी जी, रूबी जी मेरे पिताजी अभी ठीक है। अभी फिर मैं क्लास के बाद में फिर भाई से बात करूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, अंकिता जी सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए सीधा पढ़ते हैं, समय हो चुका है। नमो बुधाय। राज सिंह जी सभी का स्वागत, अभिनंदन। बच्चों सभी का स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, आज हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसको जो है ध्यान से नोट्स बना ले, ठीक है? हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, ये जो है आपका लीप लीप के बारे में, ठीक है? ये लीडरशिप को जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एल ई से जो है लिया गया है लीडरशिप, लीडरशिप को जो है लिया गया है, और ए से जो लिया हुआ है, ए से अनअकेडमिशियन अन, ठीक है? यहां पर जो अकेडमिशियन, ठीक है, और पी से जो लिया गया है प्रोग्राम, अकेडमिशियन जो है अकेडमिशियन, ठीक है? अकेडमी जो होता है, अकेडमिक का मतलब होता है दोस्तों यहां पर टीचर से है, अकेडमिशियन का मतलब होता है टीचर, शिक्षकों से है, शिक्षकों से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रोग्राम है, सबसे पहली बात जो है इस प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिएगा। ये फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, लीडरशिप है एकेडमिशियन का जो है लीडरशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है? ये लीप प्रोग्राम होता है, लीप प्रोग्राम होता है, इसको आपको जो है हमेशा ध्यान देना है, जो टीचरों के लिए बना हुआ है, टीचर्स के लिए जो है ये बना हुआ है लीप प्रोग्राम, जिसको हम लोग जो है लीप प्रोग्राम बोलते हैं या लीप कहते हैं, ये लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम, इसको आप लोग जो है जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अर्पित, अर्पित जो है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, अर्पित कहा जाता है, एक नया नया चीज है ये, पिछले साल ही जो है 2019 में इसको स्टार्ट किया गया है। अर्पित, अर्पित का मतलब होता है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, यानी कि शिक्षण में जो वार्षिक रिफ्रेशर प्रोग्राम होता है हर टीचर को करना पड़ता है, हर असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है इसको करना पड़ता है रिफ्रेशर प्रोग्राम जो है, यानी कि जो टीचर जो है यदि इसके बिना जो है प्रमोशन नहीं होता, टीचर को जो है दो तीन प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। पहला जो है याद रखिएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ता है,
ठीक है, पहले जो है ये 21 दिन का होता था, 21 days, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है, अभी भी करना पड़ता है, ये भी जो है लगभग जो है 21 दिन का होता है, 21 दिन का, ठीक है। और याद रखिएगा, ये दोनों प्रोग्राम किए बिना आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, प्रमोशन नहीं हो सकता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन नहीं होता, ये बात आपको समझ लीजिएगा। ये दोनों प्रोग्राम अटेंड करेगा तभी उसका प्रमोशन होगा, नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन रोक दिया जाता है, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब हम टीचर जो है पहली बार ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है चाक पकड़ना सिखलाते हैं, चाक पकड़ना सिखलाते हैं कि चाक आप कैसे पकड़ेंगे, क्लासरूम में कैसे प्रिपरेशन होकर जाएंगे, बच्चों को कैसे आप जो है मैनेज करेंगे, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कराया जाता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको वहां पर करके दिखाना है, पहले आपको सिखाएंगे और उसके बाद में आपको जो है करके देखना है, यानी कि चाक पकड़ने की कला भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीचिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, आपको पढ़ाना कैसे है, कैसे आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है, ये सब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सिखाया जाता है। यानी कि हम भी जो है 21 दिन का ये प्रोग्राम हमें करना पड़ा है, ठीक है। और मैंने जो है रिफ्रेशर कोर्स भी किया हुआ है और फ्यूचर में मुझे एक और करना पड़ेगा, लाइफ टाइम जो है दो रिफ्रेशर कोर्स करना जरूरी है, दो करना जरूरी है, मैंने एक कर लिया है, एक कर लिया है, एक मुझे और करना है। यानी कि यहाँ पर जो है मैं एक दो महीना, एक दो साल में या दो तीन साल में मुझे एक रिफ्रेशर कोर्स करना ही है। रिफ्रेशर कोर्स का मतलब होता है कि रिफ्रेश होना है, रिफ्रेश होना है, यानी कि वो बातें याद करना है, यानी कि रिसर्च कैसे करना है आपको, स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सब के बारे में रिफ्रेशर कोर्स में बताया जाता है। यानी कि एक सब्जेक्ट वाइज होता है, ये कोई भी भाग ले सकता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस का टीचर हो, आर्ट का टीचर हो, या कॉमर्स का टीचर हो, या फिर इंजीनियरिंग का टीचर हो, या मेडिकल का टीचर हो, कोई भी टीचर हो, ये जो है कोई भी कर सकता है। लेकिन रिफ्रेशर जो कोर्स होता है सब्जेक्ट वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिफ्रेशर कोर्स जो है सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है। तो ये रिफ्रेशर कोर्स आप अपने सब्जेक्ट में जो है एक्सपर्ट के जो है किन किन नए नए बातों को आपको सिखाया जाएगा, उन बातों को सिखाया जाएगा जो स्टूडेंट को बताया जाना है, कंपटीशन के लिहाज में, उनके आउटपुट के लिहाज में जो है ये रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है। समझ में आ गया? क्या हो गया प्रदीप जी, क्या हो गया प्रदीप जी, क्या हो गया? बाबू सिंह जी आपका नाम ले लिया मैं, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? हाँ जी श्याम, श्याम जो है आप भी करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा आपको, मैंने हम लोग कई बार बता चुके हैं कि आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को जो है हमने दे दिया है, एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है, कि आप मॉक टेस्ट रोज दीजिएगा। अभी तो आज जो है हमने दो वीडियो, दो लेक्चर डाला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा वेबसाइट रोज जाकर देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का है, दो लेक्चर डाला हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो भी नोट्स का, बेहतरीन नोट्स है वो, उसको इतना पढ़ लीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका क्लियर हो जाएगा। हमारा वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट में उसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर लीप प्रोग्राम के लिए क्या क्या होता है देख लीजिएगा, यहाँ पर लीप प्रोग्राम जो है क्या क्या होता है, यह एक सार्वजनिक वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में दूसरे
दूसरे स्तर के शैक्षणिक अधिकारियों के लिए एक प्रमुख नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 2 सप्ताह घरेलू और 1 सप्ताह विदेशी प्रशिक्षण है। यहाँ पर 2 सप्ताह की बात कर रहा है। 2 सप्ताह जो है अपने देश में होता है, 2 सप्ताह वाला कार्यक्रम है। 2 सप्ताह का मतलब होता है कि आपका 14 दिन का जो है, और मैं आप लोगों को बताया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है 21 दिन का होता है, 3 सप्ताह का होता है। 3 सप्ताह का मतलब 21 दिन मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर जो है ये जो लीप प्रोग्राम होता है, ये लीप प्रोग्राम जो है 2 सप्ताह घरेलू यानी कि अपने देश में भारत में 2 सप्ताह करना पड़ेगा या फिर विदेश में 1 सप्ताह करना पड़ेगा। यदि विदेश में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आपको 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन का प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। मुख्य उद्देश्य दूसरा स्तरीय अकादमिक प्रमुख तैयार करना है जो भविष्य में नेतृत्व की भूमिका ग्रहण करने की संभावना रखता है। यानी कि आपको शिक्षाविदों के कार्यक्रम है, ये लीडरशिप आपको जो है तैयार करना है, यानी कि टीचरों में से ही जो है लीडरशिप तैयार करना है। उच्च शैक्षणिक प्रामाणिकता, आवश्यक नेतृत्व प्रबंधी कौशल, समस्या समाधान के कौशल, तनाव से निपटने, टीम निर्माण कार्य, संघर्ष प्रबंधन, संचार कौशल विकसित करने और समझ सहित वरिष्ठ संकाय प्रदान करेगा। याद रखिएगा यहाँ पर आवश्यक नेतृत्व करने के लिए, यहाँ पर शैक्षणिक प्रामाणिकता के लिए, प्रबंधकीय कौशल के लिए, समस्या समाधान के कौशल के लिए, तनाव से निपटने के लिए, टीम निर्माण कार्य, संघर्ष प्रबंधन, ये सब को जो है इसी में सिखाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट्स में बना लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। साफ तो दिखाई दे रहा है यार, क्या साफ नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्या सही नहीं दिखाई दे रहा है? इतना साफ दिखाई दे रहा है, मैं देख पा रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं देख पाओगे भाई? ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एनआईआरएफ जो है इसी का उदाहरण है। एनआईआरएफ, ठीक है, एनआईआरएफ के बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं अभी अभी जो है एनआईआरएफ का जो है मेरिट लिस्ट निकला हुआ है, रैंकिंग निकला हुआ है, रैंकिंग जो है जारी हुआ है। ये भी जो है यहाँ पर कार्यान्वयन 15 राष्ट्रीय संस्थान शीर्ष रैंक वाले भारतीय संस्थानों के मध्य से होगा। यहाँ पर जो लीप होगा, लीप जो होता है यहाँ पर, ये जो एनआईआरएफ का जो है 15 रैंक है, रैंक 15 तक के प्रोफेसरों के लिए जो है ये सुविधा दिया जाएगा। अभी आप समझिएगा, एनआईआरएफ में जो है यहाँ पर ये सुविधा मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है 15 रैंक तक के लोगों को जो है यूनिवर्सिटी को जो है चिन्हांकित किया जाएगा लीप प्रोग्राम आयोजित कराने के लिए। यहाँ पर एनआईआरएफ का जो 15 रैंक है, इस 15 रैंक तक के लोगों के लिए जो है लीप प्रोग्राम आयोजित कराया जाएगा। यहाँ पर विदेशी विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग में जो 100 में आता है, 100 के अंदर में आता है, उनको जो है विदेश में जो जहां पर ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग में यदि 100 के आसपास में रैंकिंग में आता है, 100 रैंकिंग में आता है दोस्तों, उनको जो है ये लीप प्रोग्राम के लिए जो है अनुमति दिया जाता है। वही लीप प्रोग्राम आयोजित करा सकता है, वही उनके लिए जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसको आप लोग को जो है याद कर लेना है, ऐसे चीजें किताबों में बहुत कम मिलती है। यहाँ पर देखिएगा, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के जयलुरु गांव में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अभी अभी खुला है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, जयलुरु गांव में केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के नाम से नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जयलुरु में। ठीक है, जयलुरु में जो है आंध्र प्रदेश के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के नाम से नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे की जाती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे की जाती है, विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आपको सबसे पहले सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत
आपको पहले पंजीयन कराना पड़ता है और फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो है वो शैक्षणिक वर्ष में यहाँ पर प्रवेश संचालित किया जाता है। यहाँ पर पहली बात जो है सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो है जो UGC का नाम है, इन विश्वविद्यालय जो अधिनियम बना हुआ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो बना हुआ है, इसके तहत ही प्रवेश ले सकता है। प्रवेश यानी कि एडमिशन ले सकता है, इसके बिना नहीं ले जा सकता। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? ये सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत पंजीयन होना बहुत जरूरी है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है, ठीक है। उसके बाद ही जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो है उसको अनुमति दी जाती है। ये सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। यहां पर देखिएगा स्टडी इन इंडिया, भारत में स्टडी का उद्देश्य क्या है, ये भी एक प्लान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, ठीक है, स्टडी इन इंडिया यानी कि विदेशी स्टूडेंट को जो है रुझाने के लिए यह व्यवस्था किया गया है। स्टडी इन इंडिया का उद्देश्य विदेशी छात्र को आकर्षित करने के लिए यह प्रोग्राम संचालित की गई है। भारत सरकार द्वारा 10-15% तक आरक्षण विदेशी छात्रों को दिया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। स्टडी इन इंडिया एक प्रोग्राम है जो विदेशी छात्रों के लिए है और साथ ही साथ 10-15% का आरक्षण जो है यहाँ पर रखा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वर्तमान में 45,000 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं जो वैश्विक छात्र हिस्सेदारी का केवल 1% है। यहाँ पर वैश्विक छात्र यानी कि यूनिवर्सल स्टूडेंट्स के जो पार्टनरशिप है उसमें केवल 1% का भाग है, 1%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर स्टडी इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो विदेशी छात्रों के लिए है। आज जो है 45,000 विद्यार्थी छात्र पढ़ रहे हैं और 10-15% आरक्षण जो है उसके लिए रखा जाता है। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा NIC का पूरा नाम क्या है, नेटवर्क इनोवेशन क्लब। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नेटवर्क इनोवेशन क्लब होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ARIIA का पूरा नाम क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑन इनोवेशन। यहाँ पर जो है एक्शन जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अचीवमेंट है, ठीक है। अभी अभी इसका जो है लिस्ट जारी हुआ है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, इसका भी लिस्ट जारी हुआ है, इसका भी लिस्ट जारी हुआ है दोस्तों, इनोवेशन अचीवमेंट है। यहाँ पर ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यहाँ से आपको जो है नोट्स बनाना है। और आपको नोट्स के लिए जो है आपको हमारा वेबसाइट जाना पड़ेगा। क्या है वेबसाइट? यहाँ पर नीचे में हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, द स्टडी सेंटर्स TERS है, सेंट्रेस होता है ना वो वाला है, सेंटर वाला नहीं है, .com में आप जाइए, यहाँ पर आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा बहुत जल्दी, यहाँ पर आप देखते रहेंगे। ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, thestudycentres.com। यहाँ पर जैसे हम लोग सेंटर को दो तरीका से सेंटर लिखते हैं, द स्टडी तो आपको समझ में आ गया, ऐसा सेंटर लिखते हैं, और दूसरा जो है सेंट्रे लिखते हैं, इसको भी सेंटर कहा जाता है। तो हमारा वेबसाइट में ये वाला सेंटर है, ठीक है, सेंट्रे वाला जो है, और इसमें एस लगा हुआ है, centres.com है ये, ठीक है, thestudycentres.com, इसको centres.com बोलते हैं। तो आप यहां पर जाइए, आपको एक एक नोट्स मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। यदि आप केवल हमारा वेबसाइट ही पढ़ते जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगा ही। जब एग्जामिनेशन होगा दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा, तब तक हम पूरा एक एक चीजें जो है उसमें अपलोड कर देंगी, एक एक चीजें। और हम प्रकाश सर का भी जो है बहुत जल्दी उसका जो है आर्टिकल्स यानी कि आलेख, उसका नोट्स भी हम डालने वाले हैं, ठीक है, आप सभी का जो है नोट्स डालने वाले हैं। और याद रखिएगा हमारे वेबसाइट का जो ब्यूरोशिप है, ब्यूरोशिप कह सकते हो, यानी कि ऐसा कोई नेटवर्क जो है इस दुनिया में कभी नहीं है किसी वेबसाइट का, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का भी इतना नेटवर्क नहीं होगा जितना हमारा नेटवर्क है। क्यों?
क्योंकि आप 169-70 बच्चे जो हैं यदि हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, पूरा इंडिया भर के लोग यदि मान लीजिए सारे हमारे हमारे वेबसाइट के लिए काम करते हैं, तो समझिएगा इतना बड़ा नेटवर्क और कहीं नहीं हो सकता है जिसका जो है यहाँ हमारे पास में होगा। अभी 170 बच्चे आसपास हैं, आप मान के चलिए यदि 170 बच्चे हमारे वेबसाइट में काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं और आपके अपने एरिया का जो है पूरी विशेषताएं बताते हैं, तो समझ लीजिएगा 10 मिनट में ही जो है, केवल 10 मिनट में हम जो है पूरा विश्व को जीत सकते हैं। पूरा विश्व जीता जा सकता है 170 बच्चों के बदौलत। हम यदि मान लीजिए एक एक समस्या भी बताते हैं अपने एरिया का, तो 170 प्रॉब्लम्स आएगा और हम अपने वेबसाइट के माध्यम से सरकार को जगा सकते हैं, देखिए हमारा प्रॉब्लम यह है हमारे देश की जो है, ठीक है, हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा बड़ा एनजीओ जैसे काम कर सकते हैं, बड़ा उद्धारक का काम कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, गरीब और गांव के बच्चों को जो है हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम उनको उन्नति के लिए बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, मुझे पता है आप में भी जो है जोश है वो, ठीक है, निस्वार्थ सेवा है, आप भी मेहनत करना चाहते हैं, आप भी अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं, मुझे पता है। यदि आप बनाना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट को आपका अपना वेबसाइट समझिएगा और जाइए और वहां पर जो है लॉगिन होकर जो है, यानी कि वहां पर जो है हमारे आर्टिकल्स को देखिएगा, आपके अच्छा लगे तो जरूर हमें जो है आर्टिकल भेजिएगा, ठीक है दोस्तों। दिसंबर के पहले एग्जाम नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज इतना ही करते हैं, मुझे भूख लग रहा है, खाना खाऊंगा मैं। आज जो है लास्ट क्लास है अनअकैडमी का, कल से मैं फ्री हो जाऊंगा और आप लोगों के लिए केवल वेबसाइट में काम करूंगा। रोज एक बार वेबसाइट देखने के लिए जाइएगा, रोज एक बार आप उसको जो है जरूर एक बार साइन अप कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, हमारे चैनल को नहीं बल्कि हमारे जो है वेबसाइट को, और वेबसाइट में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हालांकि मैटर मेरे पास में बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा है और हम जो है आपको बताएंगे कल, ठीक है दोस्तों। कल से हम फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा कल से हम ज्यादा समय देंगे आप लोगों को जो है। थैंक यू, आज अनअकैडमी का लास्ट क्लास है 9 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।